आप देख रहे हैं जय भारत टीवी की लड़ाई रोजगार की है, भ्रष्टाचार की लड़ाई उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता की है, और ये युवा साथ है, जीत कर रहेंगे। त्रिवेंद्र भी बोले रानी बॉबी बॉबी, रानी भी बोले बॉबी बॉबी, और ये बाइक रैली बॉबी पवार के समर्थन में तमाम टिहरी लोकसभा सीट के जो युवा है वो निकल कर सड़कों पर आए। सामने कांग्रेस भवन और उसके सामने बॉबी पवार की एक विशाल रैली आज देहरादून में, चूंकि अब कम समय बचा है, और ये बाइक रैली बॉबी पवार के समर्थन में तमाम टिहरी लोकसभा सीट के जो युवा हैं वो निकलकर सड़कों पर आए हैं, और ये रैली यहां से सहसपुर तक निकलनी है, बाय रोड ये रैली जानी है, और बड़ी संख्या में इसमें जो युवा हैं वो पहुँच रहे हैं। हम लोग कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बॉबी पवार के साथ क्यों जुड़े हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप है। इसलिए जुड़े हैं कि वो काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं छात्रों के लिए, इसलिए लगातार हम उनके साथ। तो आप देखिए कि बड़ी संख्या में ये जो लड़के हैं वो बाइक से इस समय चल रहे हैं, और ये यहाँ से देहरादून से होते हुए जो बाइक है रैली है वो सहसपुर तक जाएगी। बॉबी पवार निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बॉबी पवार निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और क्या नाम है आपका? मेहर सिंह चौहान, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। राज्य आंदोलनकारी भी बॉबी के साथ? सब बॉबी के साथ। त्रिवेंद्र भी बोले रानी बॉबी बॉबी, रानी भी बोले बॉबी बॉबी। बॉबी भाई क्या कहेंगे, रैली निकाल रहे हैं आज? युवाओं में जोश है और युवा इस टिहरी संसदीय सीट पर परचम लहरा कर रहेगा। क्या आपको क्या लग रहा है, मोदी आज आ रहे हैं उत्तराखंड में, किससे लड़ाई है आपकी? लड़ाई रोजगार की है, भ्रष्टाचार की लड़ाई उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता की है, और ये युवा साथ है, जीत कर रहेंगे। देखिए बॉबी पवार का कहना है कि लड़ाई बेरोजगारी से है, लड़ाई भ्रष्टाचार से है, कांग्रेस और भाजपा से लड़ाई नहीं है, और यही कारण है कि जो युवा हैं, आप देखिए कि सारे युवा चेहरे हैं जो बॉबी पवार के पीछे इस वक्त हैं, और सामने कांग्रेस भवन है, कांग्रेस से ज्योत सिंह गुनसोला चुनावी मैदान में है। चर्चा शुरुआत में ये भी चल रही थी कि कांग्रेस बॉबी पवार को टिकट देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, आलाकमान भी मान चुका था, लेकिन आखिरी वक्त में एक नेता की वजह से बॉबी पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन अब बड़ी संख्या में युवा आज उनकी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। केवल 7 दिन का वक्त बचा है प्रचार का, अब देखना ये होगा कि इस बार टिहरी सीट पर इतिहास कायम रहेगा, रानी इस सीट से लगातार जीत दर्ज कर पाएंगी, या कांग्रेस कोई बदलाव करेगी, या फिर इस बार बॉबी इतिहास बदलने में कामयाब होंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवर, जय भारत टीवी।